हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? वो आज तो संडे, अभी आज संडे तो 8 बजे करीब सो के उठे हैं और 8:30 बजे शुरू हुआ है, तो आज हमने कहा सुबह सुबह ब्लॉग शुरू करते हैं और उसके बाद आज संडे तो घूमने का प्लान है, तो आज चलेंगे घूमने और महादेव जी के मंदिर हमारे प्यारे भोरे शंकरनाथ, और दिखाएंगे आपको। उसके पहले नहा धो के रेडी हो जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ओके अम्मी, खावा के जलेबी ले आए पापा, खाओगे तुम भी? हैं, खाओगे? नहीं खाओगे? कितनी खाओगे? अच्छा ठीक है, खा लो जाके, इनको जानते हो ना। तो गाइस, जैसा कि हमने कहा था शिव जी के मंदिर घूमने जाएंगे, तो नहा धो चुके थे और फिर नितिन के यहाँ गए, उसके बाद हम मंदिर आ गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कैसा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा मतलब बहुत अच्छा है यार। यहाँ ये बच्चों के लिए तालाब बनाया गया अलग से, करीब 10 से 15 दिन हो गए हैं बने हुए, तो इनके लिए अलग से बनाया गया है। और थोड़ा मंदिर में अभी साफ सफाई चल रही है, उसके बाद हम लोग थोड़ी देर में मंदिर के अंदर जाएंगे और फिर दिखाएंगे आपको कैसा मंदिर है। ठीक है, पहले आप इनको एंजॉय करिए और हमारे ब्लॉग को एंजॉय करिए और बने रहिए लास्ट तक ब्लॉग में। थोड़ा बैक कैमरा से दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा। आपने कैसा लगा? चलिए हम लोग चलते हैं उधर सीढ़ियों की तरफ और उधर से दिखाते हैं कैसा लगता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं धीरे धीरे। मतलब काफ़ी फिसलन वगैरह है यार, यहाँ पर पत्थर अभी पड़े हुए हैं, तो अभी नया ही बना है। देखिए मूर्ति वगैरह यार यहाँ पड़ी हुई है, तो चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पर कोई नहीं यार, चले जाएंगे। अगर यहाँ से गिरे तो मतलब काम ख़त्म, खोपड़ी ओपड़ी फट जाएगी। तो चलते हैं यार, तो देख सकते हैं हम लोग नीचे तक आ गए यार, और ये देखो पतंग आ रही है। तो कैसा लगा? तो ये मंदिर में लगभग साफ सफाई हो गई है, तो हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर और फिर दिखाते हैं आपको अपने शिव जी महाराज का मंदिर, जो हमारे सब कुछ है। चलो फिर आइए प्रस्थान। तो लगभग पहुंच चुके हैं हम लोग मंदिर के पास और देख सकते हैं हमारे नंदी महाराज खड़े हुए हैं, और बस धीरे धीरे मंदिर की तरफ चलते हैं। Thank you.
घर से करीब 15 से 20 किलोमीटर पड़ता है, और यहाँ का मानना है कि यहाँ पर करीब 30-35 साल पहले धरती से शिवलिंग निकली थी, तभी यहाँ का नाम महादेवन पड़ गया। और इसका पुराना नाम है जो पातालेश्वर है, और मतलब काफ़ी सिद्ध मंदिर है, ये कानपुर में पड़ता है और कानपुर के नवस्था के पास। तो अभी आइए और यहाँ घूमिए आकर, यहाँ से देखिए काफ़ी दूर दूर तक मतलब जंगल में ही निकला था यार लगभग। अब यहाँ पर बस्ती वगैरह हो गई है, तो आप देख सकते हैं मतलब है तो छोटा पर बहुत सिद्ध है। आप अभी आकर देखिए, मिलिए यहाँ पर। तो चलते, अब बाबा के दर्शन हो गए हैं, चलते हैं मैदान की तरफ। यहाँ पर जलकुंड बना हुआ है, वहाँ पर बैठते हैं।